कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल यात्रा ब्रेक पर है और 3 जनवरी से फिर शुरू होगी। दिल्ली के बाद यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। उत्तर प्रदेश में ही वही सीट भी पड़ती है जहां से राहुल गांधी ने अपना संसदीय करियर शुरू किया था। हम बात कर रहे हैं अमेठी की। अमेठी से ही राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चर्चा अब भारत जोड़ो यात्रा में होने लगी है। पूरा मामला क्या है हम बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए एक लोकल कांग्रेसी नेता ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को लेटर लिखकर आमंत्रित किया है। कांग्रेसी नेता का नाम है दीपक सिंह, जो कांग्रेस के पूर्व MLC हैं। दीपक सिंह ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के सहायक निजी सचिव नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपा और BJP सांसद को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने यह भी बताया कि उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से ये निर्देश था कि आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित कीजिए। उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को ही आमंत्रण पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने 28 दिसंबर को कैंप कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपा। दीपक सिंह का कहना है कि उनका आमंत्रण पत्र स्वीकार किया गया है और उनसे ये भी कहा गया है कि उनका पत्र सांसद तक जरूर पहुंच जाएगा, यानी कि स्मृति ईरानी तक। इस मामले में अब BJP के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका काम आमंत्रित करना है, लेकिन इस यात्रा में अमेठी सांसद या BJP के किसी भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के शामिल होने का सवाल ही नहीं। BJP हमेशा से अखंड भारत की परिकल्पना पर काम करती है। जब कभी भारत टूटा ही नहीं तो उसे जोड़ने की बात आई ही कहां से। जो टूटता है उसी को जोड़ा जाता है। राहुल गांधी की तरफ से मृत प्राय पड़ी कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रख दिया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रहे। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।